जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से ही देश में गुस्सा है। सरकार की ओर से खुली छूट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ एक्शन भी शुरू कर दिया है। सोमवार तड़के से पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी, जिसमें मेजर समेत 4 जवानों के शहीद होने की खबर है। इस एनकाउंटर में 2 से 3 आतंकियों की घेराबंदी की गई है। पुलवामा जिले के पिंगलिन गांव में बीती रात एक मुठभेड़ शुरू हुई है, जिसमें जैश के 2 मिलिटेंट के फंसे होने की खबर है। दरअसल एक पक्की खबर पर सुरक्षा बलों ने गांव की घेराबंदी रात में की थी। उसी बीच एक घर में छुपे मिलिटेंटों ने सुरक्षा बलों पर सेना पर फायरिंग की। फिलहाल इलाके की घेराबंदी जारी है और कहीं ना कहीं सुरक्षा बल इसे बड़ी सफलता मान रहे हैं, क्योंकि जो जैश के मिलिटेंट फंसे हैं उनका संबंध 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले से बताया जा रहा है। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है। पिछले 3 घंटे से कोई फ्रेश फायरिंग नहीं हुई है, हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है। यह ऑपरेशन देर रात 12 बजे से चल रहा था। पूरी रात दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। इलाके को घेर कर गाँव वालों को बाहर निकाला जा रहा है। सूत्रों की माने तो पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड गाजी भी इसी इलाके में छुपा हो सकता है। बताया जा रहा है कि जो आतंकी घिरे हैं, वो भी जैश मोहम्मद के ही हैं। ये सभी आदल अहमद डार के साथी ही हैं। इस एनकाउंटर में एक स्थानीय नागरिक की भी मौत हो गई। ये मुठभेड़ पुलवामा जिले के पिंगलिना इलाके में चल रहा है। इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया। एनकाउंटर में घायल हुए जवानों को एनकाउंटर वाले इलाके से निकालकर श्रीनगर आर्मी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बुरी घटना हुई है, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों को कैरी करने वाली एक वैन में आईईडी हमला हुआ है और कुछ फायरिंग की भी आवाज सुनाई दी है। ये इस चीज की जिम्मेदारी ली है जैश ए मोहम्मद, ये आतंकवादी संगठन ने। यहां पर बड़ा खेद होता है कि 12 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं। अब इस प्रकार का जो हमला है, उरी में 2016 में जो हमला हुआ था उसके बाद ये सबसे बड़ी घटना है, जहां पर 12 जवान हमारे शहीद हुए हैं। ये जब हमला हुआ तब इसमें आईडी ब्लास्ट था, और आईडी ये इतना पावरफुल था कि जो ब्लास्ट था उसमें से कुछ छोटी छोटी चीजें ही हमें बिखरी हुई पड़ी मिल रही हैं। दूसरी चीज ऐसी कि ये आतंकवादी संगठनाएं ऐसे काम करने वाली हैं, इसका इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हमें 10 दिन पहले मिला था। एहतियात के तौर पर पुलवामा जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि पुलवामा में ही आतंकियों ने हमला कर 40 जवानों को मारा था।